हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे। और यहाँ देखिए, मैं आज आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि एक सादा सिंपल है, पालक पनीर की सब्ज़ी, जो कि सादा सिंपल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आपसे मैं शेयर करूँगी पालक पनीर की सब्ज़ी। तो उससे पहले प्लीज़ मेरा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया हो, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, थोड़ा सा तो सपोर्ट कर दीजिए। और प्लीज़ एक लाइक करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि आप सिर्फ कमेंट करके चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो, भूल जाते हो पता नहीं क्या। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करा करें वीडियो पर, क्योंकि एक वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है फ्रेंड्स। और तो आप प्लीज़ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं कराया वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और तो चलिए चलते हैं किचन में, आपसे मैं शेयर करूँगी किस तरह से मैंने बनाई पालक पनीर की सब्ज़ी और पालक की पूड़ियाँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ देखिए, मैंने पनीर को कट करके रख लिया है और टमाटर दो घिस के रख लिए हैं, प्याज चॉप करके रख लिया है, प्याज और लहसुन की कलियाँ थी। और मैंने कढ़ाई में तेल ऐड कर लिया है और इसमें ऐड कर दूंगी अब मैं जीरा। सबसे पहले गरम तेल हो गया है फ्रेंड्स मेरा, मैं जीरा भी ऐड कर दूंगी इसमें। जीरा ऐड करने के बाद मैं इसमें हींग भी ऐड करूँगी चुटकी भर। यहाँ देखिए, मैं हींग ऐड कर दी है अब थोड़ी सी। तो इसके बाद मैं इसको भुन जाने के बाद मैं इसमें जो मेरा लहसुन प्याज रखा है चॉप किया हुआ फ्रेंड्स, मैं उसको अच्छे से भून लूँगी और एक तेज़पत्ता ऐड कर दूँगी। और मेरी पालक पनीर की सब्ज़ी बहुत ही यम्मी सी बनी थी। और यहाँ देखिए, मैंने थोड़ा सा पालक इसमें से निकाल लिया है, क्योंकि ये ज़्यादा था पालक, क्योंकि सब्ज़ी हम दो या तीन जनों की बननी थी, सब्ज़ी ज़्यादा हो जाती तो मैंने इसमें से निकाल लिया था। और आपसे मैं पूड़ियाँ भी शेयर करूँगी फ्रेंड्स कि मैंने किस तरह से पूड़ियाँ बनाई थी पालक की। और मैं पनीर को भूनकर नहीं बनाती हूँ फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही ऐड कर देती हूँ उसमें, क्योंकि मुझे ज़्यादा भुना हुआ पनीर अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ मैं लहसुन प्याज भी ऐड कर दूँगी इसमें और उनको सुनहरा होने तक भूनूँगी। उसके बाद मैं अपने टमाटर इसमें ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं अपने मसाले जो डेली बेस वाले होते हैं, धनिया, मिर्च, गरम मसाला और हल्दी पाउडर, ये सब मैं ऐड कर दूँगी और अच्छे से मसाले को भूनकर सब्ज़ी बना लूँगी। और आप देखिए मेरा फुल वीडियो, प्लीज़ फुल वॉच करिएगा फ्रेंड्स। अगर आप हम लोगों की बात समझते हैं तो आप फुल वॉच करिएगा। ये देखिए, मैं टमाटर भी छोड़ दिए इसमें और मैं अच्छे से इस मसाले को भून लूँगी। Thank you.
और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पालक को इसमें ऐड कर दिया है, और इसमें ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, चला लिया है उसको, और इसमें मैंने पानी कर दिया है अपनी ग्रेवी के हिसाब से कि मुझे कितनी ग्रेवी रखनी है इसमें, तो उसी हिसाब से मैंने अपने इसमें पानी कर दिया है। और अब मैं इसमें पनीर ऐड कर दूँगी, और पनीर को मैंने भूना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही ऐड करूँगी, मुझे ऐसे ही पसंद आता है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्जी बन चुकी है, और यहाँ मैं अपनी पूड़ियाँ भी सेक रही हूँ। आटा मैंने गूंथ के रख लिया था, और मैंने दोनों तरह की पूड़ियाँ सेकी हैं। ये देखिए पालक की पूड़ियाँ, ये देखिए मेरी थाली भी रेडी हो चुकी है। आप भी खा लीजिए खाना फ्रेंड्स, और खाना बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना है, अच्छा बना है खाना, और आप भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक लाइक कर दें प्लीज़, एक कमेंट कमेंट भी करें बहुत अच्छा सा, और आप हमारी बात को समझ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।